विपक्ष की राजसी मानसिकता को परिलक्षित करता है और उन्होंने कहा ये हैं अयोध्या के राजा, हमारे तो राजा राम हैं, धर्म हमारा काम है, जपते तो हम माँ भारती का नाम है, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी के सामने फेल बाकी सारे तमाम हैं। मैं माननीय अनुराग ठाकुर जी द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अध्यक्ष जी, मैं आपका और अपनी पार्टी का धन्यवाद करती हूँ कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे अपना मत रखने का अवसर मिला है। अध्यक्ष जी, ये राष्ट्रपति अभिभाषण ऐतिहासिक है। इसमें ये अभिभाषण ऐतिहासिक है और ये ऐतिहासिक इसलिए है अध्यक्ष जी, क्योंकि इसमें एक दशक के मोदी सरकार की अद्वितीय कार्यों का चित्रण ही नहीं बल्कि आने वाले स्वर्णिम काल यानी विकसित भारत के संकल्प का उद्घोष भी है। मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का असर और उनके विकसित भारत के विजन के जो जनता का अगाध विश्वास था, उसी के कारण से अध्यक्ष जी एनडीए को तीसरी बार जनता ने पूर्ण बहुमत का जनादेश दिया। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के पैराग्राफ 3 में जो कहा है, आपके माध्यम से समक्ष के पूरे सदन के समक्ष पुनः दोहराना चाहूंगी। 2024 का चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास, मेरी सरकार ने 10 वर्षों में सेवा और सुशासन का जो मिशन चलाया है, ये उस पर मोहर है। अध्यक्ष जी, एक दशक में ये पहली बार ऐसी सरकार भारत में आई है जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, जो कहा वो किया। धारा 370 हटाई, जो कहा वो किया। भव्य राम मंदिर का निर्माण किया, जो कहा वो किया। CAA लेकर आए, जो कहा वो किया। वन रैंक वन पेंशन लाए, जो कहा वो किया। मेक इन इंडिया की नींव रखी, जो कहा वो किया। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को इतना सशक्त करा है कि अध्यक्ष जी, हम 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की जगह मात्र एक दशक में विश्व की वैश्विक पटल पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। और अध्यक्ष जी, ये असाधारण परिस्थितियों में हुआ है। पूरा का पूरा विश्व COVID-19 की महामारी से जूझ कर निकला है। अभी भी विश्व के कई देश हैं जो युद्ध की अग्नि में झुलस रहे हैं, लेकिन भारत मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के पथ पर अग्रसर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का एक संकल्प लिया है। इस संकल्प के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला स्तंभ युवा शक्ति, दूसरा नारी शक्ति, तीसरा किसान कल्याण और चौथा गरीब कल्याण। अध्यक्ष जी, यदि आप युवा शक्ति की बात करते हैं तो किसी भी प्रकार का अवसर यदि आप भारत की युवा शक्ति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो उस अवसर का लाभ लेने के लिए युवा शक्ति चूकती नहीं है। शिक्षा के पर्याप्त अवसर हुए, इसके लिए मोदी सरकार ने एक दशक में 7 नए IITs, 16 नए IIITs,
सात नए IIMs, 15 IIMs हॉस्पिटल्स, 315 मेडिकल कॉलेजेस और 390 नए विश्वविद्यालय स्थापित करे हैं। स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की अगर हम बात करें तो इन दो योजनाओं के कारण अध्यक्ष जी देश का युवा जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बना है। इस जॉब क्रिएशन से वेल्थ क्रिएशन की तरफ वो अग्रसर है और आप जैसे माननीय अनुराग ठाकुर जी ने भी सदन के समक्ष रखा, आज भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम में विश्व की थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। लेकिन मोदी सरकार अलग है। अध्यक्ष जी केवल नीति निर्माण ही नहीं करती, केवल योजनाएं ही नहीं बनाती, केवल उन योजनाओं का लाभ जन जन तक नहीं पहुंचाती, लेकिन वो लाभ सुनिश्चित हो, लास्ट माइल डिलीवरी हो, उसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा भी निकालती है। अध्यक्ष जी मोदी की गारंटी की गाड़ी आपके दरवाजे आती है, जनता के दरवाजे आती है। सभी सरकारी योजनाएं एक ही छत के नीचे हैं। आपको आधार कार्ड बनाना है, काउंटर वही है। पीएम स्वनिधि चाहिए, काउंटर वही है। आपको उज्ज्वला गैस कनेक्शन चाहिए, काउंटर वही है। गुड गवर्नेंस के साथ साथ एक्सेसिबिलिटी टू दैट गुड गवर्नेंस मोदी सरकार सुनिश्चित करती है। एक अच्छी सरकार जो आए आपके द्वार। अध्यक्ष जी सरकारें आईं और सरकारें गईं। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ केवल एक चुनावी जुमला बनकर रह गया था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित करा 25 करोड़ लोगों को मल्टीडिमेंशनल गरीबी की रेखा से उभार। आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अध्यक्ष जी मैं स्वयं एक वकील हूं और खुद अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहती हूं कि आज का दिन 1 जुलाई हम वकीलों की फ्रेटर्निटी में उत्साह का माहौल लाने वाली है, क्योंकि 1 जुलाई से भारत में भारतीय न्याय संहिता लागू हो रही है। पहले के कानून ब्रिटिश राज की गुलामी की बेड़ियां थे जो हमारी न्याय प्रणाली को जकड़े हुए थे। पहली बार भारत में एक ऐसी दंड प्रणाली आ रही है जिसका ध्येय न्याय होगा। क्योंकि अध्यक्ष जी जब कोई ऐसा कानून विलायती हुकूमत बनाती है तो उसका उद्देश्य न्याय नहीं होता, उसका उद्देश्य दमन होता है, क्योंकि वो चाहती है कि उसकी हुकूमत बरकरार रहे। लेकिन पहली बार देश में भारतीय दंड प्रणाली आएगी जिसका ध्येय न्याय होगा, न्याय को प्राथमिकता देगी। और हमारे यहाँ कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये वो क्रिमिनल सिस्टम होगा लॉज का जो एक एक्सपीडियंसी लाएगी, एक तेजी लाएगी भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। कम्युनिटी पेनल्टी पहली बार भारत में इंट्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब है एट द हार्ट ऑफ दीज लॉज इज नॉट ओनली डेटरेंस ऑफ लॉ एंड पनिशमेंट बट ऑल्सो अ सेंस ऑफ रेफॉर्मेशन। इन सभी ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचरिस्टिक पाथ ब्रेकिंग कारणों के कारण ही भारत ने NDA की सरकार को तीसरी बार पूरा बहुमत दिया। पर अध्यक्ष जी विपक्षी गठबंधन ऐसा प्रदर्शित करता है जैसे कि नारायणी सेना इनके पाले में खड़ी है। पर अध्यक्ष जी इतना जरूर कहूंगी कृष्ण तो कर्म के कायल हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद तो नरेंद्र मोदी जैसे कर्मयोगी पर पुनः बरसा है। विपक्ष चाहे ये दिखाने का प्रयास करे कि स्वयं अक्षौहिणी सेना उनके पास है। अध्यक्ष जी बहुत चौंकाने वाली बात है कि वो विपक्ष जिसने आपातकाल लगाने का अधर्म करा, वो विपक्ष जिसने भारत के संविधान को गला घोटने का अधर्म करा, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने का अधर्म करा, वो विपक्ष जिसके गठबंधन के सदस्य आज भी
दिल्ली में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि वो अपनी सरकार जेल से चलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सत्ता के मोह में मदमस्त हैं और दिल्ली उनके इस मोह से त्रस्त है। अध्यक्ष जी, बड़ी अजीब बात है, दिल्ली आज पानी के लिए तरस रही थी, एक बारिश हो गई तो पानी से त्रस्त हो गई, लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्षी गठबंधन में या आम आदमी पार्टी में एक आपातकाल और एक अकाल पड़ा हुआ है कॉम्पिटेंस का और टैलेंट का। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री की सीट को जकड़ कर बैठे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसा विपक्ष जो पॉलिसी पैरालिसिस का अधर्म करता है, जो लैक ऑफ गवर्नेंस का अधर्म करता है, वो धर्म की बात कर इस सदन में कैसे आड़े आ सकता है, जब ये सदन इमरजेंसी की रेजोल्यूशन पास करना चाहता है, इमरजेंसी का खंडन करते हुए। अध्यक्ष जी, मुझे एक प्रसंग याद आता है, महाभारत में युधिष्ठिर को जब अकर्मण्यता ग्रसित कर गई तो वो पितामह भीष्म के पास गए। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी को सुशासन के कई सूत्र दिए, लेकिन एक मूल मंत्र भी दिया, और वो मूल मंत्र था, यतो धर्मस्य ततः कृष्णो, यतः कृष्णस्य ततो धर्मः। जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण हैं, जहाँ कृष्ण हैं वहाँ विजय है। अध्यक्ष जी, धर्म तो नरेंद्र मोदी जी के ही पाले में खड़ा है। लोकतंत्र में मतदाता देवतुल्य होता है। 6 दशक में तीसरी बार लोकतंत्र में भारत के देवतुल्य मतदाता ने विजय श्री का आशीर्वाद एनडीए की सरकार को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया। कुछ दिन पहले मैंने टीवी पे देखा, विपक्ष के एक बहुत ही बड़े नेता मीडिया के बंधुओं से अयोध्या धाम से जीते हुए अपने जनप्रतिनिधि का परिचय करवा रहे थे, और उन्होंने कहा, ये हैं अयोध्या के राजा।